नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। क्या मीम कॉइन्स के अंदर एक बार फिर से एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है? क्या हो सकता है बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट और कौन सी अपडेट्स निकल के आ रही है जो कि क्रिप्टो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? शिबा इनू कॉइन का नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। और यहाँ पर इस न्यूज़ सेगमेंट में आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। बात करते हैं डिटेल्स के अंदर और यहाँ पर सबसे पहली अपडेट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलन मस्क ने एक यहाँ पर ट्वीट का जवाब दिया था जिसके अंदर लिखा हुआ डॉक्स रॉक्स, यानी कि एक बार फिर से जो है वो एलन मस्क मीम कॉइंस को काफी ज्यादा टीज कर रहे हैं। और डॉक रॉक्स का यहाँ पे जो एक ट्वीट करना, ये भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है और स्पेशली यहाँ पे डोज कॉइन के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे जो है वो डोज कॉइन की प्राइस को देखेंगे तो उसके अंदर भी 8% की इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है इस यहाँ पे ट्वीट के बाद। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि डोज कॉइन के अंदर और भी ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो सकता है। अगर हम यहां पे जो है वो डोज कॉइन के डोमिनेंस को देखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट डोमिनेंस के अंदर 0.97% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और यहां पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी कंटिन्यूसली राइज होता जा रहा है। उसी के साथ एक और यहां पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है भाई साहब बेबी डोज कॉइन के बारे में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बेबी डोज कॉइन के यहां पे जो डेवलपर्स हैं उन्होंने एक ट्वीट करके यहां पे बताया है कि भाई साहब हम यहां पे जो है वो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब ये अनाउंसमेंट कौन सी निकल के आती है या फिर यहाँ पे जो है वो कुछ बर्निंग को लेके अनाउंसमेंट ये कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी मेजर लिस्टिंग होने वाली है या फिर कुछ यहाँ पे जो है वो नई चीज़ें प्लान की जा रही है बेबी डोज कॉइन की टीम के द्वारा। अब ये कौन सी अनाउंसमेंट करते हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल देते रहेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई साहब शिबा इनू कॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिबीरियम पपी ने हिट्स 3 मिलियन वॉलेट्स इन 3 वीक्स, यानी कि भाई साहब 3 हफ्तों के अंदर शिबा इनू कॉइन का यहाँ पे जो टेस्ट नेट आया है उसके ऊपर 3 मिलियन से ज्यादा वॉलेट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब इस चीज से ये अंदाजा होता है कि भाई साहब शिबा इनू कॉइन का जब मैननेट लॉन्च होगा तो उसके ऊपर भी सेम यहाँ पे जो है वो इसी किस्म के वॉलेट्स यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर ये चीजें प्रॉपर तरीके से पॉसिबल हो जाती है तो शिबा इनू कॉइन का बर्निंग रेशियो कहीं गुना इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि सतोशी कुसुमा ने क्लियर बताया था कि जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी, जितना ज्यादा शिबा इनू कॉइन ट्रांसफर होता रहेगा, जितनी ज्यादा मूविंग होगी उतना ज्यादा शिबा इनू कॉइन बर्न होता रहेगा। और कहीं ना कहीं इस न्यूज़ के बाद भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है और शिबा इनू कॉइन डेफिनेटली यहाँ से जो है वो एक बहुत बड़ी बर्निंग कर सकता है। और यहाँ पे अगर 3 मिलियन वॉलेट कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन रेशो भी शिबीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर हमें फ्यूचर में होती हुई नज़र आ सकती है। उसी के साथ अगर हम बात करें बिटकॉइन के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर भी अच्छा खासा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोमेंटम क्रिएट हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें इथेरियम की प्राइस की तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इथेरियम $2,116 के ऊपर पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पे मार्केट डोमिनेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट डोमिनेंस के अंदर 19.84% का यहाँ पे जो है वो एक इजाफा देखने को मिल रहा है। और कंटिन्यूसली शिबा इनू कॉइन और जो यहाँ पे इथेरियम के ऊपर जो भी कॉइन्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं उनके अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे जो है वो आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो बड़े बड़े इथेरियम के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर अच्छी खासी आज यहाँ पे रैली देखी जा रही है। उसी के साथ अगर हम बात करें भाई साहब बिटकॉइन की प्राइस के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर आया है और 2.12% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करें तो इसके अंदर 49.30% की डोमिनेंस थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये कम होकर 46.30% के ऊपर आ चुकी है। अब इससे ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जो यहाँ पे मार्केट डोमिनेंस है वो अभी तक यहाँ पे BTC के अंदर नहीं आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और यहाँ पे अपने जो है वो प्रॉफिट को भी बुक करते रहना है, ना कि आपको जो है वो लालच के अंदर आके लॉन्ग टर्म के अंदर किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट रख के एक बहुत अच्छा लॉस यहाँ पे बुक करना है। और यहाँ पे अगर आपको छोटा छोटा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको यहाँ पे बुक कीजिए और यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट कीजिए। आई होप कि आपको न्यूज़ सेगमेंट काफ़ी हद तक पसंद आएगा। अगर आप इसी इंटरेस्टिंग अपडेट और जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो जाइए ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आने वाली छोटी से लेकर बड़ी अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तो ख्याल रखिएगा, हमें दाद हरे कृष्णा।